हाय, मेरा नाम है राजीव खंडेलवाल और हम लोग यहाँ पे हक से की बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। जी हुकुम। देखिए, हक से सीरीज एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज है जो कि एक किताब पे पेश है जिसका नाम है लिटिल वेमेन। बहुत क्लासिक किताब है, बहुत ही पॉपुलर किताब है। ये सीरीज जो है, ये कहानी है चार बहनों के बारे में। मेरा जो किरदार है वो किरदार है डॉक्टर नौशाद रिजवी का। वो किरदार ओरिजिनल किताब में नहीं था, वो किरदार लिखा गया इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ इंडिया में अडेप्ट की जा रही थी। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो किताब में नहीं था, वो लिखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली किताब लिखी जाए तो मेरे कैरेक्टर को उस किताब में डाला जाए। डॉक्टर नौशाद रिजवी का कैरेक्टर एक डॉक्टर का है जो कि थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा यू नो, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ डील किया। उसकी एक अपनी एक उसका एक सफ़र रहा है उसका अपना, और उस सफ़र से वो कितना उसकी जो सोच है वो किस तरह की हो गई है वो एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद में। और वो आम इंसान थोड़ी सी हटकर सोच है क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, बट सारे कैरेक्टर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं एक्चुअली। जो कि जो नहीं है वो सीरीज़ के एंड तक उनकी जर्नी में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस कैरेक्टर को राइट करने में, बिकॉज केन घोष डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई मुझसे। वर्कशॉप हमने की थी शो सीरीज शुरू करने से पहले, हमने कुछ 8-10 दिन की वर्कशॉप की थी। हर सीन पे हमने मेहनत की थी, हमने डिसाइड किया था कि हम किस तरह से करेंगे, और फाइनली वो कैरेक्टर आपके सामने है। हमने उसको जीवित कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि वो आपके जहन में जीवित रहे हमेशा के लिए। राजीव, हमने देखा है कि आप हमेशा अपना प्रोजेक्ट करने से पहले मतलब लंबा ब्रेक लेते हैं। पहले आपने टेलीविजन किया, फिर फिल्म की तरफ आए, अब वेब प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे, तो क्या रीज़न था ये हक से करने का? प्रोजेक्ट था, मैं प्रोजेक्ट के पीछे मतलब प्रोजेक्ट को दिमाग में रखकर मैं अपने फैसले लेता हूँ, मीडियम को दिमाग में रखकर नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई प्रोजेक्ट इसलिए लूँगा कि ये डिजिटल पे है तो चलो डिजिटल पे करते हैं। अगर प्रोजेक्ट एक्साइटिंग नहीं है तो शायद मैं करता भी नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थी, ये स्क्रिप्ट थी। इनफैक्ट जब इंट्रोडक्शन हुआ था अक्षय का, वो स्क्रिप्ट से हुआ था। मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत ही उम्दा कहानी है और बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, तो ये चाहे किसी भी मीडियम पे हो मुझे इसका हिस्सा बनना है। और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं करूँगा, मैं इसी के साथ साथ में बहुत कुछ और भी कर रहा हूँ। तो अगेन, आप जो लोग सोच रहे होंगे कि अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, तो नेक्स्ट किसी और मीडियम पे होगा। और इनफैक्ट मैं कर ही रहा हूँ, मैं कल से ही एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आई थिंक मीडियम नहीं हो, प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। मीडियम आप लोगों के लिए है, प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं। मुझे लगता है कि वो लोगों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं होते हैं बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी फिल्म के ऊपर सवार हो जाते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं फिल्मों से जुड़कर। तो मुझे मुद्दे हैं, फिल्में तो आज आती हैं, 3 दिन में लोग भूल जाते हैं। अगर फिल्मों से इतना प्रभाव पड़ने लगे तो जो फिल्में आती हैं, जैसे टॉयलेट फिल्म आई थी, उसने आज पूरे देश के मानसिकता को बदल दिया, बदल देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिल्मों के जो एक इफेक्ट है वो कुछ समय तक रहता है, और ये तो बहुत उससे बड़े बड़े मामले हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको हमें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आए दिन कभी कोई हादसे होते हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं जो पिछले 8 साल से रुके पड़े हैं, ट्रेन की लाइनें बनी हुई हैं, डाली हुई हैं, जो लोगों को दिक्कत दे रही है, लोग क्रॉस करके जाते हैं रोज़, खड्डों से लोगों की जाने जाती हैं, और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो ज़्यादा योगदान देंगे हमारे सोसाइटी में भलाई। लेकिन लोग फिर भी फिल्मों से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है, ऐसा मेरा मानना है।